राजनीतिक पार्टियों को चंदे के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि वित्त मंत्रालय ने जो अप्रैल और मई में 5-5 दिनों के अतिरिक्त मोहलत दी है, मियाद तय की है बॉन्ड्स बेचने की, उसे वापस लिया जाए। इसमें याचिकाकर्ता जगदीप छोकर जी से हम बात कर रहे हैं कि कितना असर होगा इसका, यानी पांच दिन वाले का जो पूरा जो आदेश है जिसमें कहा है कि सारे आप लोग पांच दिन वाले की, हाँ उसका क्या असर होगा? पांच दिन वाले का तो असर कोई अच्छी बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल में उनके गिनती में गलती होगा ही सरकार से, कोई उतना बड़ी बात नहीं है। तो 55 दिन के बजाय 50 दिन होगा और बाकी 15 मई तक जो भी चंदा मिला है राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रल बॉन्ड से उसकी जानकारी चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में देनी होगी। तो उससे फिर आगे आपकी जो याचिका है उसमें और अब तक इस आदेश में कितना असर आएगा? चुनावी सीजन है, चुनावी टाइम है, अभी लोगों मेरे हिसाब से तो कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो सूचना देनी है, अगर पॉलिटिकल पार्टियां ये कह दें कि भाई हमें तो पता नहीं किसने दिया है, या लिफाफा हमारे पास बाई पोस्ट आ गया था या कुरियर दे गया था, उस पर ये तो लिखना तक उसने भेजा है, हमें तो पता नहीं है। आदेश का तो पालन हो गया लेकिन सूचना किसी को नहीं मिली, मेरे हिसाब से तो कोई असर नहीं होगा। इसमें एक और सवाल यह बनता है कि सरकार इस दावे के साथ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर आई थी कि राजनीतिक चंदे को लेकर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है और उनका कोई मतलब नहीं है कि किसने पैसे दिए क्या दिए, जनता अपना उम्मीदवार तय करे। लेकिन असली मसला तो यही है कि काले धन को सफेद बनाने का जो ये तरीका है इसको पारदर्शिता कैसे अमल में आएगी और कैसे होगा? देखिए मेरा ये मानना है कि अटॉर्नी जनरल महोदय ने जो कल कहा वो असलियत है, सरकार ने जो पहले कहा था कि वो इसमें पारदर्शिता लाना चाहते हैं वो असलियत नहीं थी, वो कहते हैं फ्रॉडियन स्लिप, ये अटॉर्नी जनरल साहब के मुंह से निकल गया, असलियत निकल गई कि सरकार ये समझती है कि जनता को और वोटरों को पॉलिटिकल पार्टियों को कहां से पैसा मिलता है ये जानने की कोई जरूरत नहीं। वही अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, तो मैं तो अटॉर्नी जनरल साहब को मुबारकबाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने सच बोला, उन्होंने सरकार की जो असली मंशा है उसको उजागर कर दिया। फिर एडीआर की मुहिम का क्या होगा जिसका आप इतने परसों से आप सारे लोग आगे बढ़ा रहे हैं? एडीआर की मुहिम का वो जो है वो अब तक 20 साल से होता रहेगा, ये चलती रहेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया, सरकार ने अपनी तरफ से ये भी कह दिया कि वो पारदर्शिता लाने की कोशिश में लगा और इसीलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लगाए गए, लेकिन एडीआर का ये मानना है कि चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी अगर इसमें कोई निर्णयात्मक कोई कार्रवाई ना की गई तो। उम्मीद है कि आगे जब इस मामले में विस्तृत सुनवाई होगी तो शायद कुछ ऐसा सर्वमान्य हल निकलेगा जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाले समय के लिए राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता को।